भगवान राम का फोटो और किस तरह से यहाँ पर फटी हुई हालत में है। लेकिन ये बताइए, ये अपमान नहीं तो और क्या है? और अगर ये अपमान किसी और दूसरे मोहल्ले में हो जाए तो पता नहीं वहाँ पर कौन सा बुलडोजर चल जाए और वहाँ पर क्या हो जाए। अगर किसी और मोहल्ले के अंदर लगे हुए हो और राम जी के फोटो ऐसे फटे हुए टंगे हो तो पता नहीं क्या वहाँ पर हंगामा खड़ा हो जाए। और ये सरासर यहाँ हो रहा है तो ये कोई संयोजक है या वो कि जो मखीजा नाम है उनका, इनके ऊपर कोई कार्रवाई होगी? होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए, होना चाहिए। बताइए, यहाँ पर तो बीजेपी की डबल इंजन की सरकार है। क्या किसी की भी सरकार है, भगवान की इज्जत कहाँ हो रही है यहाँ पर? हाँ, तो अपना मोनो देख रहा है कौन बाकी जाए। तो ये पोस्टर तो फट गए हैं आपके इधर, ये राम जी के पोस्टर लगे हैं जो? अबे तो मेन रोड है तो पोस्टर फटेंगे ही। तो फिर ये तो लगाने वाले को या लगाने वाले को तो कम से कम जब कार्यक्रम खत्म हो गया तो पोस्टर को निकाल के विसर्जन करना चाहिए कायदे से। और कायदे से ऐसा पोस्टर ना भी लगाए तो राम जी का पोस्टर है क्योंकि फटेगा ही फटेगा, वो तो फटेगा तो उनका व्यवस्था करे ना, वो लगाए ठीक है, कार्यक्रम आपका खत्म हो गया था, अब उसको विसर्जन करो, निकलवाओ कायदे से, मतलब कि उसकी रखवाली होनी चाहिए, होनी चाहिए। भगवान का ऐसा अपमान थोड़ी चलेगा। आप कर नहीं पाओगे तो ऐसा कर क्यों रहे हो? आप कम से कम उसको व्यवस्था करो भाई। ये राम जी का जो है वो माहौल बनाने के लिए तो पोस्टर लगाए, अब पोस्टर फटे पड़े हैं, राम जी जो है वो एक्सीडेंट हो रहे हैं, ये तो ध्यान देने वाली बात है। और ये मखीजा साहब अब सांसदी की तैयारी कर रहे हैं, आप ही के यहाँ के लोग बता रहे हैं? नहीं, इसको तो ध्यान देना चाहिए, यदि किसी का सम्मान करते हो तो उसको उसी हिसाब से रखना चाहिए। इनका विसर्जन होना जरूरी है, जब फट गया है जब तक वो सहगा था तब तक कोई दिक्कत नहीं। मखीजा जी खबर देख करके मेरे को ढूंढेंगे कि कहाँ से आ करके और जो है वो खबर लोगों को बता दिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्या कह रहे हो? निगम वाले को भी चाहिए ना। हाँ, अरे अब तो डबल इंजन की सरकार है भाई, अब तो डबल इंजन की सरकार है भाजपा की। डबल इंजन और ट्रिपल इंजन वाली बात नहीं है। नहीं, नहीं, वो तो फर्क पड़ता है ना, वाली बात है। कांग्रेस की सरकार होती तो एक मर्तबा ये कहा जा सकता था कि भाई चलो राम हित की नहीं है, फलाना हित की नहीं है, क्योंकि आईटी सेल ऐसे ही चलता है ना। नहीं, ये राजनीति अपन नहीं जानते। हाँ, राम जी का जो ये चीज हो रहा है ये नहीं होना चाहिए। आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आपको जो पोस्टर दिख रहा है वो भगवान राम का पोस्टर है, और भगवान राम के इस तरह से ना जाने कितने पोस्टर लगे और जो इस वक्त में कटी फटी हालत में है। मुझे याद आ रही है वो खबर जब उत्तर प्रदेश के संभल में एक मुस्लिम दुकानदार ने बिरयानी परोस दी थी एक अखबार के अंदर, और उस अखबार में फोटो लगी हुई थी और उसको लेकर के उस पर केस हो गया था। मैंने वो खबर आपको दिखाई थी। लेकिन यहां पर भगवान राम के ना जाने कितने पोस्टर फटे पड़े हैं। और दूसरी तरफ इधर जरा आप दिखाइए, इधर जरा आप देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का चुनाव कार्यालय है, वार्ड चुनाव कार्यालय है। नेताजी का चमकता हुआ फोटो बिल्कुल सुरक्षित है, नेताजी का चमकता हुआ फोटो बिल्कुल अपनी जगह पर दुरुस्त है। लेकिन ये फोटो आखिरकार भगवान राम के क्यों फटे हुए हैं? और आप ऊपर दिखाएंगे तो ऊपर भी ऐसा लगता है कि पूरा भगवा भगवा झंडे लगा करके और पूरा माहौल तैयार करने की कोशिश की गई। लेकिन सवाल ये है कि राम जी के फोटो अगर इस हालत में है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? देखिए जरा, ये राम जी का फोटो है, और ये कटी फटी हालत में है। अब इससे किसी की धार्मिक भावनाएं आहत होती है या नहीं होती है मालूम नहीं। सभी प्रदेशवासियों को अयोध्या जी में श्री राम लला के नूतन विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा की हार्दिक बधाइयां व ढेरों शुभकामनाएं। तो ये जो है डॉक्टर ललित माखीजा और एवं समस्त मित्रगण, उनकी तरफ से पोस्टर लिखा लगा है, दिखाइए जरा इसको। डॉक्टर ललित माखीजा एवं समस्त मित्रगण, उनकी तरफ से पोस्टर लगा है ये, और आगे दिखाता हूँ कुछ पोस्टर आपको। तो ये पोस्टर फटे हुए हैं, तो भगवान के फोटो ऐसे कायदे से, पहली बात तो इस तरह से शायद लगने नहीं चाहिए, और लगे तो कम से कम उनको सही समय पर या तो उतार देना चाहिए, वरना इस तरह से अपमान होना भगवान राम का और इस तरह से उनके फोटो फटे होना, और याद थोड़ा सा अपने जहन में वो भी विजुअल बना करके रखिए, वो भी तस्वीर बना करके देखिए कि अगर ये पोस्टर
किसी मुस्लिम दुकानदार के बाहर लगे हों या मुस्लिम मोहल्ले में लगे हों और वहाँ पर फटे हुए मिलें तो पता नहीं क्या बवाल मच जाए। ये देखिए आप, ये आपको फोटो दिख रहा है, भगवान राम का फोटो, और किस तरह से यहाँ पर फटी हुई हालत में है। और वही मखीजा जो है, हाँ ये वही ललित मखीजा हैं और उनके मित्रगण हैं जिन्होंने फोटो लगाया है। तो इनके मित्रगणों ने फोटो तो लगा दिया, ये माहौल तो तैयार कर दिया ऊपर जो है वो झंडे वंडे लगा करके, लेकिन ये फोटो ऐसी हालत में क्यों है, इस तरह से फोटो क्यों है कि आखिरकार क्या कह रहे हैं? थोड़ा आइए इधर। अब वो देखिए, मैं तो अभी बस गाड़ी रोक करके ऐसे ही थोड़ा सा मुझे लगा कि इस पर शायद बात होनी चाहिए, क्योंकि पता नहीं आजकल जो है वो कहां कहां पर किस किस की भावनाएं कैसे कैसे आहत हो जाती हैं। लेकिन ये बताइए, ये अपमान नहीं तो और क्या है? और अगर ये अपमान किसी और दूसरे मोहल्ले में हो जाए तो पता नहीं वहाँ पर कौन सा बुलडोजर चल जाए और वहाँ पर क्या हो जाए। अगर किसी और मोहल्ले के अंदर लगे हुए हो और राम जी के फोटो ऐसे फटे हुए टंगे हो तो पता नहीं क्या वहाँ पर हंगामा खड़ा हो जाए। हाँ, तो थोड़ा आएंगे इधर, वो क्या कह रहे थे? ये इधर राम जी के फोटो फटे हुए हैं जी, ठीक है? मतलब ये ठीक है ऐसा फटा या गलत है ऐसा? गलत है ना, पता नहीं है। हाँ, स्टेशन उतार देना चाहिए। हाँ, खराब दिख रहा वो। और ये एक नहीं, कितने फोटो फटे हुए हैं ऐसे? लगाने वाले को सोचना चाहिए, ये तो अपमान नहीं हो रहा है क्या? अपमान ही है। और ये 22 जनवरी से अब जो है वो 22 फरवरी भी चला गया, हटा देना चाहिए। हाँ, आज कितना तारीख है? 8 फरवरी, माफ कीजिए। हाँ, हटा देना चाहिए उनको। हाँ, आप कुछ कह रहे थे, 6 कुछ बता रहे थे, आप क्या कह रहे थे? 60 रुपए बोल रहे हैं। अच्छा, वो उनको दूध बता रहे थे। हाँ सर, मैं सोचा कि वो फोटो हम वो जो है वो बात कर रहे हैं तो उसको लेकर के कुछ कह रहे हैं। नहीं नहीं, उसकी कोई समस्या नहीं है। नहीं तो समस्या नहीं, लेकिन ये फोटो तो फटा हुआ है, ऐसा नहीं रहना चाहिए ना, लगाए उतार देना चाहिए। ये जो लगाते हैं अगर वो संभाल नहीं सकते तो राम के फोटो क्यों लगवा रहे हैं? अब ये हम कैसे बताएं? नहीं मतलब आप एक पब्लिक के नजरिए से, क्या नजरिए से तो मुझे बता रहे कि ठीक नहीं लग रहा है, उसको उतार देना चाहिए। सही लगे रहता तो लगे रहता, ठीक दिखता, फटा हुआ तो क्या देखेगा। और ये फटा हुआ भी लग रहा है कि पता नहीं कितने दिनों से जो है फटा हुआ है। हाँ। और कई खंभों पर मैं देख करके आया हूँ तो कई खंभों पर केवल और केवल डंडी लटकी हुई है, वहाँ पे जो है वो पूरा का पूरा पता नहीं वो किसी ने लपेट करके कहीं फेंक दिया या कुछ और हो गया, पता नहीं। देना चाहिए, क्योंकि रिक्स भी है, जैसे टंगा हुआ किसी को आने जाने में भी दिक्कत जाएगी। हाँ। लग भी सकता है। अच्छा, मैं एक खबर जो है वो मैंने कुछ दिन पहले एक खबर मैंने भी की थी और वो खबर शायद वायरल हुई, आपको भी पता होगा कि नहीं। एक मुस्लिम दुकानदार जो है वो बिरयानी परोस रहा था और वो अखबार में जो है वो धार्मिक फोटो थी तो उसके ऊपर केस दर्ज हो गया। तो वो एक अपमान जो है वो अपमान दिखा कि अखबार, अब दुकानदार तो अखबार में चाय समोसा बिरयानी देते ही है। हाँ, उसके ऊपर केस दर्ज हो गया था मुसलमान दुकानदार के ऊपर कि धार्मिक फोटो जो है वो बिरयानी की उसमें क्यों है, वो जबकि इत्तफाक की बात थी। ये तो यार गलत है। हाँ, और ये सरासर यहाँ हो रहा है तो ये कोई संयोजक है या वो ये जो मखीजा नाम है उनका, इनके ऊपर कोई कार्रवाई होगी? होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए। हाँ। बताइए, यहाँ पर तो बीजेपी की डबल इंजन की सरकार है। क्या किसी की भी सरकार है, भगवान की इज्जत कहाँ हो रही है यहाँ पर? सब कुछ अपना मोनो देख रहा है, कौन बाकी जाए। हम भी सुने वो विधायक चुनाव लड़ने वाला था। अच्छा। हाँ। तो विधायक के चुनाव का तैयारी कर रहे थे वो? हाँ। लेकिन ये बात है, जब आप ग्राउंड पर उतरते हैं तो आपको चार चीज और पता चलती है। ये तो मखीजा साहब जो है विधायक की तैयारी कर रहे थे, कर रहे थे, सुने थे हम भी। तो अब सांसदी की तैयारी कर रहे हो, क्या पता? यह मालूम नहीं हमको। हाँ, लेकिन गलत तो है। गलत है, लेकिन फिर कार्रवाई करने की हिम्मत कोई थोड़ी नहीं करेगा। तो मानते कहाँ है यहाँ पर? हाँ? मानते कहाँ, जैसे देखो लगे हुए जगह जगह पोस्टर, तो माहौल तो समय हो गया, बनाया हो गया, माहौल बन गया, ठीक है। जब फट फटाई गया तो उसको उतार देना चाहिए ना। नहीं तो अब तो हो सकता है वो सांसदी की तैयारी कर रहे हो, हो सकता है बड़े लोग बड़े ऐसी ये माहौल बना रहे, तो इसका मतलब बात चल रही कुछ ना कुछ, हमको मालूम नहीं इसके बारे में। तो माहौल पैसा आदमी तभी लगाता है जब उसको कुछ चांस लग सोच को हम कैसे बताएं? नहीं नहीं, वैसे तो मतलब पैसा आदमी तभी लगाता है ना जब उसको कुछ दाना पानी आगे दिख रहा है, कुछ पैसा मिला होगा जब ही किया होगा वो। देखिए, किसी की मनसा कुछ भी रही हो, लेकिन सच्चाई ये है कि अगर आप धार्मिक कोई आयोजन करना चाह रहे हैं तो करिए,
कुछ अगर माहौल बनाना चाह रहे तो बनाइए। आपको लग रहा है कि कोई धार्मिक यात्रा निकालने की जरूरत है, कोई शोभा यात्रा निकालने की जरूरत है, करिए, लेकिन फिर उसको कम से कम संभालिए भी तो। और अगर संभाल नहीं सकते तो कम से कम हटवा ही दीजिए, हटवा करके अपने दफ्तर में लगवा लेते, कार्यालय में लगवा लेते, या किसी को दे देते, वो अपने घर में लगा लेता। लेकिन अब अपना नाम चमकाने के चक्कर में यहाँ पर जय श्री राम का या भगवान का नाम जो है वो अपमान कर दिया। सही बात है ना? सही। चलिए, ये मैं आपको दिखाता हूँ, आप केवल दो फोटो की कहानी नहीं है कि दो फोटो के ऊपर जो है वो ज़बरदस्ती मैं खबर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये इधर दिखाएंगे आप तो इधर जो है पूरा माहौल बनाने की कोशिश हुई थी, हुई होगी जब 22 जनवरी को, और ये 22 तारीख से आप लगा लीजिए कि आज करीब 17-18 दिन हो गए हैं, तो 17-18 दिन हो गए हैं ये, और आगे भी जो है वो अब केवल जो है वो ये नज़र आ रहे हैं भगवा झंडे ऊपर छत पर, ऊपर तो नज़र आ रहे हैं आसमान के अंदर, लेकिन नीचे जो ये खंभे हैं इनके ऊपर से ये फ़ोटो इस तरह से जो लगाए गए थे वो फट चुके हैं। तो ये फ़ोटो मैं आपको दिखा रहा हूँ, और आगे नाम फिर से दिखाता हूँ, यहाँ पर नाम पूरा नज़र नहीं आ रहा है। ये कह रहे हैं कि ये डॉक्टर ललित माखीजा एवं समस्त मित्रगण, ये सांसदी की तैयारी कर रहे हैं, विधायक की तैयारी कर रहे थे लेकिन टिकट नहीं मिला, अब हो सकता है कि ये सांसदी की तैयारी कर रहे हो। तो ये पोस्टर तो फट गए हैं आपके इधर, ये राम जी के पोस्टर लगे हैं जो, अबे तो मेन रोड है तो पोस्टर फटेंगे ही, तो फिर ये तो लगाने वाले को या लगाने वाले को तो कम से कम जब कार्यक्रम खत्म हो गया तो पोस्टर को निकाल के विसर्जन करना चाहिए कायदे से। और कायदे से ऐसा पोस्टर ना भी लगाए तो राम जी का पोस्टर है, क्योंकि फटेगा ही फटेगा, वो तो फटेगा, तो उनका व्यवस्था करे ना वो लगाए। ठीक है, कार्यक्रम आपका खत्म हो गया था, आप उसको विसर्जन करो, निकलवाओ कायदे से, मतलब कि उसकी रखवाली होनी चाहिए, होनी चाहिए, भगवान का ऐसा अपमान थोड़ी चले। आप कर नहीं पाओगे तो ऐसा कर क्यों रहे हो? हाँ, आप कम से कम उसको व्यवस्था करो भाई। ये कौन है ये डॉक्टर ललित मखीजा जो नीचे लिखा हुआ है? ये डॉक्टर तो लिखा हुआ है, ये मेरे ख्याल से वहाँ रहते हैं श्रीकांत वर्मा मार्ग में, आगे जाओगे तो उनके रिश्तेदार लोग का घर है। अभी मैं ये पूछ रहा था ऐसे ही जैसे आपसे पूछ रहा हूँ, तो वो कह रहे थे कि ये विधायकी की तैयारी कर रहे थे आपके यहाँ से, नाम था इनका भी। अच्छा। अब हो सकता है लोकसभा की तैयारी में हो। देखिए, ये बात जो हमने वहाँ पे कही थी वो बात इन्होंने कह दी यहाँ पे। क्या नाम है आपका? दिनेश अवस्थी। ये मतलब ऐसे तैयारी होती है कि राम का फोटो वोटो लगा करके माहौल बना करके बाद में चाहे उसका कुछ भी होता रहे? टिकट लिए तो माहौल बनाना ही पड़ेगा, वो बाद में चाहे राम जी का अपमान होता रहे। अपमान तो देखिए, हाँ, इंसान का भी अपमान होता है। हाँ, नहीं, भगवान का हो रहा है तो गलत है। हाँ, इसका व्यवस्था करना चाहिए। और मैं तो एक थोड़ा दूसरी तरीके से भी इसको देखने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मान लीजिए कि ये पोस्टर जो यहाँ पर लगा हुआ है, अगर ये कहीं किसी खास बस्ती में पोस्टर लगा होता, किसी मुस्लिम बस्ती में पोस्टर लगा होता और ऐसे ही फट जाए, तो सुबह पता नहीं क्या हंगामा वहाँ पर खड़ा हो जाए कि मुसलमानों ने फाड़ दिया होगा, ऐसे फाड़ दिया होगा, होता है कि नहीं होता है? अब देखो, मुसलमान के एरिया में आप जब जाओगे तो उनका भी झंडा बैनर लगे रहता है। हाँ। 12 महीना देखना, आप उनके मोहल्ले में आप जाओगे, झंडा हाँ। बैनर तो लगे रहता है। हाँ। अब हिंदुओं को लगेगा हाँ। तो अब फट रहा है तो उसका व्यवस्था समाज के लोगों को करना चाहिए। कितने दिन? अबे तो मेन रोड है, हवा पानी से तो फटेगा ही। 22 तारीख से लगाया तो आज 17-18 दिन हो गया है, वही बताया ना। और ये देखने में लग रहा है कि 10 दिन से फटा हुआ है। हाँ, ये तो फटा हुआ है। आपका कौन सा दुकान है? हर खंबे में, ये आपकी चक्की वाली दुकान है? जी जी, ये अवस्थी जी है आप? हर खंबे में बोर्ड लगा हुआ था इनका, तो फटते फटते हट गया। मैं तो खुद यहाँ लगा हुआ था, जिसको मैं विसर्जन किया नदी में ले जाके पोस्टर को। अब आप अकेले कितने का करेंगे? अब कहाँ कितना व्यवस्था करेंगे, सांसद वो अकेले बने व्यवस्था, आप उनको व्यवस्था करना चाहिए। जब अपने आदमियों को कर लगवाए पोस्टर रात को पूरा, तो एक आदमी लगा के उतरवा के विसर्जन करें, ये व्यवस्था करना चाहिए। तो मतलब राम जी का माहौल बनाने के लिए इस्तेमाल तो किया गया, लेकिन राम जी का ख्याल नहीं किया गया। राम बाद में जी का माहौल नहीं बनाया, तो आप ही कह रहे हैं ना माहौल बनाने के लिए। भगवान की स्थापना हुई अयोध्या हाँ, में हाँ, तो पूरे देश में माहौल था, लेकिन आपने कहा कि वो सांसदी की भी तैयारी कर रहे हैं। आपने पूछा तो बताया कि वो विधायक की तैयारी में थे, टिकट नहीं मिला, तो हो सकता है, मैं बोला ना भाई, तो सांसदी की तैयारी में, तो सांसदी की तैयारी के लिए राम जी का इस्तेमाल तो हो गया, लेकिन आप विसर्जन नहीं करवा पाए। विसर्जन कराएंगे, अब उनका आँख खुलेगा आपके माध्यम से तो होगा वो, या निगम उसको हटवाएगी। खबर आपको पता है, एक खबर आई थी, वो खबर मैंने भी की थी, एक मुस्लिम दुकानदार था, उसने
अखबार पर जो है बिरयानी परोस दी थी और वो बिरयानी वो अखबार पर जो एक धार्मिक फोटो लगा हुआ था उस पर केस दर्ज हो गया। अब वो इत्तेफाक की बात थी, अखबार बहुत सारे दुकानदार फाड़ करके चाय समोसा देते ही है, उस पर केस दर्ज हो गया था और बड़ा हंगामा खड़ा हुआ था। तो आप मीडिया वाले को सोचना चाहिए कि आपके पास जब मैं तो इसीलिए तो बात कर रहा हूँ, जब विज्ञापन आता है पेपरों में तो आप मना कर दीजिए कि भगवान देने वाले को नहीं सोचना चाहिए। देने वाला अंधा होता है। अच्छा, वो अपना स्वार्थ देखता है। अच्छा, कम से कम प्रेस के माध्यम से उनको पता भी चले ना भाई। ये बात भी सही है, मतलब प्रेस वालों की गलती है, देने वालों की कोई गलती नहीं है। बोला ना, गलती है उसकी भी, लेकिन आपको उनको सुझाव दो ना भाई। कई तो पोस्टर गिर गए, कई एक्सीडेंट हो गए। एक्सीडेंट हो गए भगवान जी के पोस्टर? अरे कई तो गिर गए हैं, कई तो एक्सीडेंट भी हो गए हैं। तो भगवान जी का फोटो एक्सीडेंट करवा दिया माहौल बनाने के लिए। बड़े बड़े पोस्टर लगा दिए हैं, रोड क्रॉसिंग में आदमी चलता है, दिखता नहीं है। और समस्या है कि राम जी के इतने बड़े बड़े पोस्टर लगवा दिए कि रोड क्रॉसिंग में दिक्कत हो रही है। क्या नाम हुआ आपका? अरे नाम पूछ रहा हूँ। ये सही बात है, माहौल बनाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। छोटा छोटा पोस्टर लगाते हैं तो अरे यहाँ तकलीफ नहीं होता। अब रोड क्रॉसिंग कर रहा है तो आदमी की गाड़ी दिखता नहीं है। एक तो छोटा पोस्टर भी तो फटेगा। हाँ ठीक है, एक वक्त के बाद में तो पोस्टर फटता ही है। हाँ तो किनारे का लगाते कहीं अपने। पोस्टर का राम जी का जो है वो दूसरे तरीके से अभी इस्तेमाल करिए, घर में लगाइए और दूसरे तरीके से लगाइए। दुकानदारों को कैलेंडर दे दीजिए, संभाल करके रखेंगे। यहाँ पे रोड सड़क पे लगाएंगे, कोई ट्रक आएगा, कोई वैसे बस आएगी, कोई सरिया निकला हुआ रहेगा, फटना ही फटना है। फटना है कई सारे, वो दो दिन चल जाए, चार दिन चल जाए, बस ठीक है ना। ये तो माहौल बनाने के लिए मतलब कि राम जी का इस्तेमाल किया। हाँ, और उसके बाद में कोई राम जी कहाँ पर है पता ही नहीं है। हाँ, रोड के किनारे। ये सही बात है कि नहीं है? सही है, सही है। मकानों की किनारे लगाना था क्या चीज के लिए? ये राम जी का जो है वो माहौल बनाने के लिए तो पोस्टर लगाए, अब पोस्टर फटे पड़े हैं, राम जी जो है वो एक्सीडेंट हो रहे हैं। ये तो ध्यान देने वाली बात है। और ये मखीजा साहब अब सांसद की तैयारी कर रहे हैं, आप ही के यहाँ के लोग बता रहे हैं। नहीं, इसको तो ध्यान देना चाहिए, यदि किसी का सम्मान करते हो तो उसको उसी हिसाब से रखना चाहिए। दिवाली वाल लगाना चाहिए, सोने चाने में जान। अरे भाई बढ़िया ऐसा सीनरी बनवाओ ना राम जी का, दो सबको, ये जैसे गणेश जी का है ऐसा दो सबको, सब अपने घर के अपने घर की दीवार पे टांगेगा आदमी। कैलेंडर बनवा दो, लेकिन पैसा भी नहीं खर्च करना है, माहौल भी पूरा बनाना है। शिव जी का लगाए हैं। अरे ऐसा बनाओ ना सीनरी बढ़िया अच्छे से, हर घर में भेंट करो, भेंट करो और क्या। तो लेकिन आपका हाँ, लेकिन पैसा भी नहीं खर्च करना है, माहौल भी पूरा बनाना है, बनाना है। और मखीजा जी को अपना नाम भी, फोटो भी लगवाना है, चुनाव भी लड़ना है, भगवान का इस्तेमाल भी करना है और विसर्जन भी नहीं कर पा रहे हो। इलाज कराना है लोगों को, मतलब। लेकिन आप लोग बच रहे हो, आप लोग खुल करके बोल नहीं पा रहे हो। हाँ, राम जी का जो है वो हो रहा है, लेकिन खुल गए भैया, आपको अपमान हो रहा है, उसको विसर्जन करना चाहिए जो लगवाया उसको। अब उसमें ललित माखीजा का ही नाम है, उनको कायदे से विसर्जन करवाना चाहिए। अपने लोगों को भेजिए, खुद नहीं कर सकते। खबर देख रहे होंगे तो हमको कहेंगे कि ये कहाँ से आ गए, हमको ही और चार मतलब गालियाँ सुनाएंगे। सही बात है, तो मीडिया वाले आपका तो काम ही है, जो सही है वो तो सही है। वो कहेंगे कि पता नहीं राम का जो है विरोध करने के लिए आ गए। राम का विरोध नहीं, राम हम तो राम का साथी है, पूजनीय है, हम भी पूजा करते हैं। हम तो एक तरह से उनका ये खबर उठा करके राम जी का साथी दे रहे हैं, राम भक्तों का साथी दे रहे हैं। गलत तो नहीं है? तो गलत नहीं है, जो मैं तो ये खबर दिखा करके जो राम को मानते हैं उनका उनका जो है वो एक तरह से अच्छा ही काम कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ? वो तो गलत आप कर नहीं रहे हैं। हाँ, इनका विसर्जन होना जरूरी है, जब फट गया है, जब तक वो सहगा था तब तक कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वो मखीजा जी खबर देख करके मेरे को ढूंढेंगे कि कहाँ से आ करके और जो है वो खबर लोगों को बता दिए। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। क्या कह रहे हो? निगम वाले को भी चाहिए ना। हाँ, अरे अब तो डबल इंजन की सरकार है भाई, अब तो डबल इंजन की सरकार है भाजपा की। डबल इंजन और ट्रिपल इंजन वाली बात नहीं है। नहीं, वो तो फर्क पड़ता है ना, वाली बात है। कांग्रेस की सरकार होती तो एक मरतबा ये कहा जा सकता था कि भाई चलो राम हित की नहीं है, फलाना हित की नहीं है, क्योंकि आईटी सेल ऐसे ही चलता है ना। नहीं नहीं, ये राजनीति अपन नहीं जानते। हाँ, राम जी का जो ये चीज हो रहा है ये नहीं होना चाहिए। पूरे हर शहर में हो रहा है, हर पूरे देश में हो रहा है, ये चीज गलत है। यदि कहीं पे विखंडित हो गया या फट गया है तो उसको विसर्जन करना चाहिए, ये चीज है। और ऐसा कितना पोस्टर लगा इधर?
आइडिया नहीं है, हजारों में लगा तो था, लाल खदान से लेके पूरा शहर में लगा था, सबका पूरा शहर में लगा था, इन्हीं भर का नहीं लगा था, कईयों को लगा था, मखीजा जी राम भक्तों को लगा था। अब ये मखीजा जी कहेंगे तीन पोस्टर क्यों बच गए, ये भी क्यों ना फट गए, ये अखबार वालों को अगर ये ना मिलते तो खबर ना बनती है। देखिए कोई कुछ बोल नहीं पाता है, कहने को डबल इंजन की सरकार है, कहने को मखीजा जी जो है वो विधायक की तैयारी कर रहे थे, और कहने को वो सांसदी की तैयारी अब कर रहे हैं। और बड़ी बात ये है कि भगवान राम का कम पैसे लगा करके अपने माहौल बनाने के लिए इस्तेमाल पूरा है। मैं कह रहा हूँ कि अगर कैलेंडर बनवा करके बढ़िया सीनरी में लगवा करके अगर देते तो हर आदमी रोज धूप बत्ती भी करता, पूजा भी करता, अब यहाँ पर कौन धूप बत्ती लगाने जाएगा, कौन पूजा करने के लिए जाएगा। लेकिन कम पैसे में ज़्यादा काम हो रहा है, और फिर बाद में राम जी का क्या हो रहा है, वो कौन देख रहा है, वो बात अलग है कि अब ये खबर देख करके कुछ खास किस्म के लोग जो है वो टूट पड़ेंगे कि राम के नाम पर जो है विरोध दिखाने के लिए खबर दिखा दी। जबकि सच्चाई ये है कि मैं तो राम जी का जो है वो एक तरह से कहें कि उन्हीं का काम कर रहा हूँ, कि उनके फटे हुए पोस्टर देख करके मुझे तो अच्छा नहीं लगा। अभी मखीजा जी जो हैं उनको अच्छा लग रहा होगा तो शायद उनके नाम पर, क्योंकि अभी उनका पोस्टर जो है वो बचा हुआ है। कम से कम राम जी का पोस्टर एक बार दिखा देता हूँ, चलो मैं आपको, उनका पोस्टर अभी बचा हुआ है। राम जी का फट गया तो फट गया, उनका बचा हुआ है तो उनका तो एडवर्टाइजमेंट फुल हो रही है। इधर से दिखा दी, इधर से हो जाएगा, जाइए तो ये इनका पोस्टर तो बचा हुआ है अभी, ये देखेंगे थोड़ा सा इधर, कभी मेरा नाम कह ले कि मैंने घुमा करके फाड़ दिया, तो इनका पोस्टर अभी बचा हुआ है, ललित मखीजा जी का बचा हुआ है, ऊपर राम जी जो है वो फट गए हैं, और एक आदमी जो है वो कह रहे हैं यहाँ पर कि राम जी का एक्सीडेंट होकर दिए हैं। अब बताइए राम जी का एक्सीडेंट का, और बोलने के लिए तैयार नहीं है सब, मतलब देखिए। अब बड़ी बात यही है कि अगर यहाँ पर कांग्रेस की सरकार होती या किसी और की सरकार होती, ममता बनर्जी की सरकार होती, तो सुबह सुबह यही लोग जो सांसद विधायकी की तैयारी कर रहे हैं वही आकर के धरना देते कि देखिए ये फाड़ दिए, ये किसी खास किस्म के लोगों ने फाड़ दिए। हो सकता है कि शहर में जो है मुसलमानों की आबादी पता नहीं कितनी है कितनी नहीं है, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन सुबह सुबह धरना शुरू हो जाता। अब यहाँ पर ये बता रहे हैं कि सैकड़ों पोस्टर लगे थे, पूरे शहर भर में लगे थे, अब इसमें से तीन बचे रह गए। मखीजा जी इसी बात को कह रहे होंगे कि कम से कम ये तीन भी चले जाते तो शायद खबर नहीं मिलती। लेकिन सच्चाई ये है कि राम के नाम पर इस तरह के देश में हजारों पोस्टर लगे हैं, और जिनके रखरखाव की, विसर्जन की कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि राजनीतिक तौर पर इस तरह के पोस्टर बैनर रातों रात लगते हैं, रातों रात फटते हैं, रातों रात दूसरी पार्टियां फिर अपना लगा देती है, और एक ही पार्टी के भी चार नेता अपना लगा देते हैं। इधर से ललित मखीजा आएंगे वो लगा देंगे, उधर से दूसरा कोई और बीजेपी का नेता आएगा उसके ऊपर करके और लगा देगा। अब सोचिए ये राम जी का पोस्टर है सबसे ऊपर है, और इसके ऊपर मान लीजिए कि कोई और दूसरा नेता आए और दूसरा नेता अपना पोस्टर लगवा दे, तो राम जी के ऊपर दूसरे नेता का पोस्टर हो गया, तो वो भी एक किस्म का अपमान ही हुआ। तो इस तरह के पोस्टर वो एक नहीं है, देश भर में इस तरह के लाखों करोड़ों पोस्टर लगे हैं, और उनका विसर्जन का, उनका रखरखाव का कोई इंतजाम नहीं है, ये सच्चाई है। लेकिन धड़ल्ले से राम का नाम का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन क्या इन चीजों पर किसी की नजर जा रही है? और वैसे अगर किसी पोस्टर के अंदर, किसी अखबार में अगर कोई धार्मिक पोस्टर आ जाए और उस पर कोई मुसलमान अगर चाय समोसा या बिरयानी देता हुआ मिल जाए तो उसके ऊपर केस दर्ज हो जाता है। उत्तर प्रदेश के संभल में ऐसा हुआ था, वो खबर मैंने आपको दिखाई थी, और सब लोग भी जान सकते हैं, गूगल पर चेक कर सकते हैं, आप लोग चेक कर सकते हैं। तो सवाल ये है कि किस तरह का हम देश बना रहे हैं? राम राज की बात करते हैं लेकिन राम के नाम के साथ में क्या हो रहा है, राम की तस्वीर के साथ में क्या हो रहा है, ये सब कुछ आपके सामने। तो शेयर कीजिए। बहरहाल मखीजा जी कोई यहाँ पर इकलौते नहीं है, देश भर में ना जाने ऐसे कितने लगे हुए हैं। ये तो केवल इसके जरिए यहाँ पर कहानी जो है सामने आ गई। बाकी मैंने जब यहाँ से चलते हुए, चूँकि मैं इन लोगों से बुलवाना चाह रहा था, क्योंकि मैं बोलता तो शायद उसका आप विश्वास कम करते, दर्शक कम विश्वास करते, लेकिन मौजूदा लोग जो बोलते, स्थानीय लोग जो बोलते, उनकी बात का वजन ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर जब मैं आ रहा था इस सड़क से, तो कितने पोस्टर इस तरह से जो है वो ना जाने इसी तरह से है, और ये एक शहर की कहानी नहीं है। तो राम जी का ये
सम्मान हो रहा है, अपमान हो रहा है, इस्तेमाल हो रहा है, अपना राजनीतिक हित साधा जा रहा है, ये जनता तय कर ले। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।